पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जब एक व्यक्ति दुनिया का सबसे जहरीले सांपों में से एक रसेल वाइपर को जिंदा लेकर मायागंज अस्पताल पहुंच गया। सांप के गर्दन को हाथों में दबोचे उसने अपना इलाज कराया। ये देख वहां मौजूद डॉक्टर और नर्स घबरा गए। उन्हें आश्चर्य लग रहा था कि जिंदा सांप लेकर कैसे आ गया। बाएं हाथ के अंगूठे में रसेल वाइपर ने डस लिया था। इसके बाद उस शख्स ने दाहिने हाथ से रसेल वाइपर के गर्दन को पकड़ लिया। इसके बाद तड़प में भी रसेल वाइपर के गर्दन को नहीं छोड़ा। भागलपुर के जीरो माइल थाना क्षेत्र के बरारी स्थित मीराचक गांव की घटना है। मंगलवार को गंगा किनारे स्थित मीराचक गांव के रहने वाले 48 वर्षीय प्रकाश मंडल को सांप ने डंस लिया। मजदूरी करने वाले प्रकाश मंडल को रसेल वाइपर सांप ने दो जगहों पर डंसा, मगर वो घबराए नहीं बल्कि रसेल वाइपर को दूसरे हाथ से पकड़ लिया। दर्द से तड़पते प्रकाश किसी तरह सांप को पकड़े हुए भागलपुर के JLNM अस्पताल पहुंच गया।